सो बाहर बहुत ही बढ़िया मौसम है अभी, इट्स जस्ट रेन, तो मुझे लगा लेट्स डू सम क्विक शूट्स। तो यहाँ पर मेरे पास है मेरा DJI का स्पार्क एंड दैट्स द रिमोट, सो लेट्स ट्राई टू कैप्चर सम इंटरेस्टिंग स्टफ। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो मेरी हालत इतनी बुरी क्यों है, अगर आप सोच रहे हो क्यों है, तो इसका रीजन ये है, ये ड्रोन। बेसिकली बाली में काफी हद तक ड्रोन अलाउड है, काफी लोग उड़ाते हैं ड्रोन्स, बट होता क्या है कि कुछ जगहों पर ये नो फ्लाई जोन होता है, स्पेशली अबो योर होटल्स, अबो सम प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो जैसे मैंने ड्रोन उड़ाया तब तक इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन Within few seconds, वहीं से वो लैंड होना शुरू हो गया, और रीजन आया था कि दिस इज इन अ नो फ्लाई जोन, सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज कन्फ्यूजिंग। और उसके बाद ड्रोन सीधा उतर के हमारे, मतलब मैं एक्चुअली यहीं से उड़ा रहा था, आई वॉज नॉट इवन फ्लाइंग इट बेसिकली, बस आई वॉज जस्ट टेस्टिंग इट आउट, यू कैन सी द स्वेट ऑन माई फेस। सो दीज आर लिटिल हट्स और समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ सेटअप, आई मीन ऑल द बिल्डिंग्स यू हैव अ लिटिल हट काइंड ऑफ सेटअप, जहाँ पर आप ये ड्रोन जाके बस गया, और उसके बाद जैसे ही मैंने उसको मूव करना शुरू किया वो जाके एक किसी पेड़ के ऊपर गिर गया, और बेसिकली काफ़ी रूम्स के बाहर दे हैव द प्राइवेट स्विमिंग पूल्स एंड स्टफ, सो इट वॉज हार्ड टू रिकवर, बट देन गेस हाउ डिड आई फाइंड इट आउट विदाउट इवन कॉन्टैक्टिंग द होटल प्रॉपर्टी, आई स्टार्टेड डाउनलोडिंग द वीडियो विच वॉज रिकॉर्डेड ऑन द ड्रोन। अभी आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा इसी क्लिप के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना शुरू किया, इट वॉज शोइंग मी 300 kbps, देन आई स्टार्टेड मूविंग द लोकेशन कि भाई कहीं यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, मैंने स्टार्टेड मूविंग द स्पीड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और फाइनली जब वो 2 mbps की स्पीड आने लगी तो मुझे लगा कि ड्रोन यहीं पर कहीं आसपास है, और फाइनली आई फिगर आउट देयर वाज सम गाय हु थॉट कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसने एंक्शियस होकर मुझे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा ड्रोन गिर गया बेसिकली आपके रूम के बाहर हो सकता है, इट वॉज वेरी हेल्पफुल, तो आई वेंट इन टू हिज रूम एंड रिकवर्ड द ड्रोन, तो फाइनली ड्रोन वापस आ गया। नाउ लेट्स गो ऑन अ क्विक वॉक टू कुता बीच रोड। सो दैट वॉज अ क्विक स्टोरी कि क्या हुआ और मैं इतना, मतलब इतनी बुरी हालत में क्यों हूँ। चलिए अब चलते हैं कुता रोड और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है रात में। सो फाइनली हो गई है शॉपिंग खत्म, वी गॉट 11 lakh rupees। फाइनली बैक इन द रूम, और मुझे लगा एक चीज पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है कि अगर हम बात कर रहे हैं समोसे की तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 lakh rupees, अगर हम बात कर रहे हैं किसी छोटी चीज की तो यहाँ पर बात हो रही है 50,000 rupees। तो बेसिकली ये रुपए नहीं है, रुपया है इंडोनेशियन करेंसी का, और टेक्निकली अगर आप इंडियन 500 rupees देते हो तो आपको मिल जाता है 1 lakh rupees, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत 19-20, बेसिकली 1 lakh rupees इक्वल टू 523 rupees। तो यहाँ पर अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो या फिर फॉरेक्स एजेंट के पास जाते हो थोड़ा बहुत आपको कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अभी अभी मैंने कुछ $1100 दिए, क्योंकि इंडोनेशिया में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका इंडियन रुपीज़ काम नहीं आएगा, दे एक्चुअली एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और एल्स US dollars। तो आई पिक्ड अप सम US dollars फ्रॉम द हैदराबाद एयरपोर्ट, और अब मेरे पास है कुछ पैसे, और यहाँ पर अगर हम बात करें पैसे की तो दिस ऑल रुपीज आर इन इंडोनेशियन रुपया बेसिकली, और ऑल ऑफ दीज आर 1 lakh, मतलब ऑल यहाँ पर मेरे पास 1 crore rupees है अभी हाथ में, कोई गिवे नहीं है, डोंट यूज दिस थंबनेल एनीवेयर ऑन माय ट्विटर टाइमलाइन, बट बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन स्पेंड इन इंडोनेशिया। एंड अगर मैं बात करूँ फिर से वापस एग्जाम्पल की, तो आई डोंट हैव अ मेनू राइट नाउ, आई विल जस्ट सर्च फॉर मेनू, बट एवरीथिंग जनरली कॉस्ट लाइक
1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, लेकिन अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो वो 1 लाख नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 100, 150 एंड द 000s आर फॉलोड। सो जस्ट क्विक अपडेट, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हमने हॉर्स राइड किया और उसका कॉस्ट था 40,000 रुपया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 200 या 250 इंडियन रुपीज। दैट्स अ क्विक अपडेट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये सारे ब्लॉग्स, तो इन ब्लॉग्स को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा इन ब्लॉग्स के अंदर। और एज यूजुअल स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।